सो हे गाइस, क्या हाल चाल है? होपफुली एवरीवन इज डूइंग गुड. आशा करता हूँ कि आप सब मस्त रहेंगे. ठीक है, सो वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट ऑन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, फर्स्ट लेक्चर ऑन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. तो सबसे पहला कैमरे के सामने आ रहा हूँ ऑफिशियली, एंड थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे उधर इधर निकल जाए तो संभाल लेना मालिक से. सबसे पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऑफिशियली इस तरह से एकदम मस्त सेटअप लगा के. ठीक है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा, यूजन थ्रू हो जाएगा. उसके बाद हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे कि हम अभी रिसेंटली मार्केट में भी मिस्टेक नहीं करते हैं एज ऑफ नाउ. हो जाता है कभी कभी, बट 90% हम मिस्टेक्स नहीं करते हैं. ठीक है, सबसे हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. मान ली कि ये लेक्चर जो है, ये जो टॉपिक्स है, ये जो मेरे सारी चीज जो पढ़ाने वाला बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग को है जो जीरो से स्टार्ट करें, जिनके पास जीरो नॉलेज है, जिनके पास मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, मार्केट का एम तक नहीं पता हो, उनके लिए ये लेक्चर रहेगा. मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ. जिनको पता है मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, NSE क्या है, BSE क्या है, ये सारी चीज जिनको पता है ना, वो ये वीडियो अवॉइड कर सकते हैं. इन फ्यूचर में मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑन स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें लेक्चर्स हम धीरे धीरे लेके आ जाएंगे जैसे जैसे मेरे ये वीडियोज बनते रहेंगे, जैसे जैसे मेरे को एक अच्छा सा हैबिट हो जाएगा जो वीडियो बनाने का. ठीक है, ये सबसे पहला वीडियो है मेरा. तो हम शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके. सबसे पहला बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली समझा दिया बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीजें मैं समझाने वाला हूं. ठीक है, ओके, चलो को हट नहीं रहे, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर वगैरह चेंज करने हमें काम आ जाएगा. ठीक है, तो क्या कवर्ड करने वाले हैं मालिक, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर नहीं ये. और एक और चीज मैं समझा देता हूँ, सबसे पहला मेरे जो ये लेक्चर्स रहेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर ही रहेंगे, मैक्स 10 से 15 मिनट ही रखूंगा मैं हर एक टॉपिक कवर करने में. अगर कोई एक टॉपिक को ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं 20 मिनट तक मैक्सिमम खींचूंगा हर एक लेक्चर के लिए. ठीक है मालिक, हर एक टॉपिक के लिए. क्या कि 10-10 मिनट में जो जो लेक्चर्स दिखेंगे ना, वो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा. जैसे कि आप कहीं पे बैठे रहेंगे तो भाई चल देख लेता हूँ, एक समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, उस हिसाब से मैंने ये लेक्चर्स तैयार करूंगा. 10 से 15 मिनट के बीच में ही रहेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक कवर होगा मालिक स्टॉक मार्केट क्या है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट. उसके बाद सेकंड टॉपिक कवर होगा वो है व्हाट कंपनी लिस्ट देयर शेयर्स एंड हाउ वाला जो टॉपिक है हम आगे कवर करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है उतना ठीक है आगे, मतलब इसी वीडियो में कवर हो जाएगा बट आगे करेंगे ये होने के बाद. ठीक है, सेकंड आईपीओ, थर्ड आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, ये सारी चीज हम सीखेंगे वहां पे कि कंपनी डेट कैसे रिलीज करती है, कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है उससे पहले, आईपीओ से पहले प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीज हम धीरे धीरे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. ठीक है, उसके बाद चौथा जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स. ये जस्ट बेसिक वाला चीज रहेगा हमारा. ठीक है, बेसिक समझेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, हम पूरा शेयर कैपिटल जो सेक्शन से वो सारी चीज नहीं पढ़ने वाले मालिक यहाँ पे, जस्ट फॉर द नॉलेज, जस्ट फॉर द बेसिक चीजों के लिए दो पॉइंट पढ़ेंगे वहां पे, शेयर्स क्या होता है और कितने प्रकार, कितने दो इंपॉर्टेंट शेयर्स कौन से, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज NSE, व्हाट इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, NSE क्या होता है, NSE कैसा काम करता है, BSE कैसा काम करता है, ये सारी चीज हम बेसिक एक बेसिक ओवरऑल ओवरव्यू लेंगे NSE पे और BSE पे. ठीक है, उसके बाद ये जो चार टॉपिक आपको दिख रहा है मालिक, आके ऊपर के पांच जो टॉपिक है ना वो जस्ट फॉर द नॉलेज के लिए रखना है अपने को, जस्ट एक नॉलेज, प्रैक्टिकल में कोई उतना काम नहीं आने वाला है. हाँ, एक आईपीओ का जो एक पोर्शन है वो जो आपको काम आ सकता है, फिर बाकी ये जो है जस्ट फॉर द नॉलेज के लिए अपने को ये दिमाग में रखना है. ठीक है, जो चार पॉइंट्स है यहाँ पे, व्हाट इज ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग. इक्विटी में दो प्रकार के आते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे. ये तीनों, ये चारों टॉपिक ना बहुत, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक बेसिक इन्वेस्टर को, एक बेसिक ट्रेडर के लिए. ठीक है, ट्रेडर तो मैं कहूंगा नहीं फिलहाल, इन्वेस्टर ही कहूंगा एक स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने वाले के लिए. ये दो चीजें, ये चार चीजें बहुत ही, मतलब बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स है आगे जब आप जाएंगे तो. वो मतलब इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये
प्रैक्टिकली उतना काम नहीं आने वाला है, देर इज नो प्रैक्टिकल इन दिस टॉपिक्स। यहाँ पे प्रैक्टिकल काम आने वाला है, ठीक है, प्रैक्टिकल यहाँ पे काम आने वाला है, जब आप बाई करेंगे, सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, इंट्राडे लेना है, डिलीवरी लेना है, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे ये चारों टॉपिक्स में काम आने वाला है। तो इसके लिए ये चार टॉपिक्स आपको गौर से सुनना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है उसके ऊपर, ठीक है। आते हैं सबसे पहला टॉपिक, जैसे कि मैंने बोला था कि हम यहाँ पे जस्ट फॉर द बेसिक, जस्ट फॉर द नॉलेज के लिए हम यहाँ पे। अब टॉपिक नंबर वन क्या है, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे जो दिख रहा है आंटी आपको, यही है स्टॉक मार्केट। आप बोलेंगे क्या सर मजाक कर रहे हो आप, इतना बड़ा मार्केट को आप ऐसा बोल रहे हो कि सब्जी मंडी के साथ कंपेयर कर रहे हो। मालिक मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ सबसे पहला, ठीक है, कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ। वो कैसा करता है स्टॉक मार्केट वो चीज आपको समझा रहा हूँ। एनएससी और बीएससी जो है ना सेम इस आंटी के जैसे ही वर्क करते हैं अपने यहाँ पे। ये आंटी अभी समझो एनएससी है, ठीक है, बीएससी है, उसी तरह से ये मार्केट हमें काम करता है। मार्केट के एनएससी बीएससी के पास अलग अलग तरह के स्टॉक्स हैं, यहाँ पे भी आंटी के पास भी अलग अलग तरह के सब्जियां हैं, स्टॉक्स है, समझे, दिख रहा है आपके, यहाँ पे अलग अलग तरह से सेम बेच रहे हैं आंटी है। खरीदने वाले क्या रहेंगे, हम जो बाहर खड़े, तो वैसा ही प्रैक्टिकली मार्केट काम करता है एनएससी और बीएससी, इसी इसी तरह सेम लाइक अ सब्जी मंडी, बट वो सब्जी मंडी नहीं है, वो कंपनीज की सब्जी मंडी है, ऐसा समझेंगे हम, ठीक है। समझ में आया आपको स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब उसके कुछ प्रैक्टिकल्स चीजें समझेंगे, जो थेरेटिकल चीजें समझेंगे। देखो ये सब चीजें ना नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिकली हमें काम नहीं आने वाला है, अभी बोल रहा हूँ नॉलेज नॉलेज के लिए, ठीक है, ठीक है। अब ये है, ये आंटी जो थी वो ही हमारे अभी माए बाप है, जो है एनएससी और बीएससी, और उसमें से तो सबसे ज्यादा फेवरेट अपना एनएससी है। बीएससी को हम प्यार करते हैं बट हम ज्यादा एनएससी, क्योंकि हम ट्रेडर है तो उसकी वजह से हम ज्यादातर एनएससी को ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सेंसेक्स में नहीं करते, सेंसेक्स में भी करते हैं बट कंपैरिजनली थोड़ा सा कम, ठीक है, वो बात छोड़ दो। हम समझ लेते हैं, स्टॉक मार्केट इज बेसिकली प्लेस वेयर ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड एवरी डे, डेली बेसिसली, डेली बेसिस के हिसाब से मार्केट में नंबर ऑफ, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स बाय एंड सेल होता है एनएससी और बीएससी पे। कहाँ पे, ये दोनों एनएससी और बीएससी। बीएससी का अभी नया लोगो रहेगा, ठीक है, बीएससी के लोगो, ये पुराना लोगो है बट हमें इस लोगो से सबसे ज्यादा प्यार है, इसके लिए मैं यही लोगो रखो। अभी आप देखेंगे तो एक नया लोगो लॉन्च किया रिसेंटली बीएससी ने, ठीक है, वो पॉइंट को अवॉइड करो। अभी आ जाओ सेकंड, ठीक है, सेकंड पॉइंट, स्टॉक मार्केट इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ स्टॉक्स। मैंने क्या कहा था यहाँ पे भी, मैंने कहा था अंडी के पास बहुत सारे अलग 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 तरह के सब्जी है, अलग अलग तरह के स्टॉक है, उनके लिए अंडी के लिए भी एक स्टॉक है, ठीक है। तो उसी तरह बीएससी एनएससी के पास भी अलग अलग तरह के बहुत सारे स्टॉक्स है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कैसे मालिक, currently overall 5000 plus companies trading on BSE, traded on BSE, 5000 से ज्यादा companies trading होती है BSE पे और 2000 से ज्यादा companies listed है NSE पे, ठीक है। रोज का कितना, ऑलमोस्ट 7000 प्लस कंपनीज हमारे NSE एंड BSE पे ट्रेड होती है मालिक। तो समझो आप हमारा मार्केट कितना बड़ा है और इन फ्यूचर में कितना बड़ा होने वाला है, ठीक है। अभी तक सब लोग इसमें आया नहीं है, बहुत कम है अपने इंडिया में, कुछ आई थिंक हार्डली 3-4% लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत सारा आना बाकी है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। वर्ल्ड का हो सकता है नंबर वन हो जाए स्टॉक मार्केट एज सुन एज पॉसिबल, कांट से एनीथिंग राइट नाउ, ओके। तो चलो फोर्थ पॉइंट आपको समझ, थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया, ओवरऑल कितना 5000 से ज्यादा बीएससी के ऊपर बीएससी पे ट्रेड होता है, 2000 से ज्यादा एनएससी पे ट्रेड होता है एवरी डे के हिसाब से, एवरी डे डे के हिसाब से, ठीक है। अब प्राइस ऑफ द स्टॉक ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएटेड ऑन अ डेली बेसिस ड्यू टू अ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे भी सेम है, आपको बेसिक समझा रहा हूँ इसके लिए मैं बार बार इस इमेज यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी टमाटर के भाव कभी होता है 20 रुपए, कभी होते हैं 100 रुपए, कभी होते हैं 120 रुपए, हमारे औकात से ज्यादा हो जाते हैं। वैसे ही मार्केट में भी सेम भाव एवरी टाइम चेंज होते रहते हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई। रिसेंटली आप टमाटर का भाव भी पता होगा, आपको याद होगा रिसेंटली न्यूज है, ये टमाटर जो कैसे कितना किलो हुआ था और कितने लोग ने पैसा छापे आपको वो भी पता है। तो उसी तरह मार्केट भी वर्क करते हैं सेम प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से, एनएससी और बीएससी, वो ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस चेंज होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं रोज के हिसाब से, प्राइस चेंज फ्लक्चुएट होते रहता है मार्केट में।
ठीक है। अब वो फ्लक्चुएट होने का कारण क्या है, फिफ्थ जो है वो उसका कारण है मार्केट अफेक्ट ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीडीपी, उसके बाद इकोनॉमिक अप साइकिल डाउन साइकिल, ग्रोथ, रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन और एनी अदर बैड और गुड न्यूज ऑफ द कंपनी, उसके ऊपर भी मार्केट आगे पीछे होता है एवरी डे पे। कभी कभी आप देखेंगे कि बीएससी 1000 पॉइंट्स प्लस प्रॉफिट में प्लस दिखता है, और उसके बाद कभी कभी देखेंगे 1000 या 1200 पॉइंट्स माइनस दिखता है। तो दिट्स ऑल बिकॉज ऑफ अ फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। अगर फ्लक्चुएशन है तभी तो मार्केट चलता है मालिक। ठीक है, हो गया, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, टॉपिक टू पे। ठीक है, टॉपिक नंबर टू पे, व्हाई कंपनी लिस्ट देयर शेयर्स एंड हाउ इट इज वर्क। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल सी ये थ्योरी पढ़ने से पहले एक प्रैक्टिकल चीजें समझा देते हैं, आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले थ्योरी समझ लेते, फिर आपके दिमाग में रहेगा क्या है। तो सिंपल सी बात, हम मार्केट में क्यों है, मतलब क्यों आप जाते हैं मार्केट में, हम जाते हैं मालिक फंड रेज करने के लिए, वाया फ्रेश कैपिटल इशू टू रेज अ फंड। सर क्यों 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 जाते हैं, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए। अभी कंपनी के ग्रोथ और एक्सपांशन के एक 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 साधारण स्टोरी बता, स्टोरी समझा दे तो आपको इजीली समझ में आएगी कि कंपनी लिस्ट करने के कारण क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक जो है ना, ये फ्रेश इशू भी है, यहाँ पे फ्रेश इशू दिख रहा है वो भी है, और ऑफर फॉर सेल करके भी रहता है। तो दोनों का डिफरेंस बिटवीन क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा पता, आगे जब आएगा उस टॉपिक में समझा दूंगा फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल क्या होता है करके। ठीक है, अब एक्सपेंशन के बारे में एक छोटा सा स्टोरी समझ लेंगे क्या होता है। अभी वैसे एचआरडी एंड कंपनी है, इसको समझता हूँ एंड कंपनी करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास शेयर होल्डिंग कितना है मालिक, 100% है, 75% मेरा पास है, 25% मेरा फैमिली और मेरा ट्रस्ट के पास है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस जस्ट काल्पनिक है और प्रैक्टिकल से इसे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हम मेरे पास एवरी डे मैं क्या प्रोड्यूस करता हूँ, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ मालिक। कितना, 1 लाख एवरी डे चलता रहा, यूनिट 1 लाख प्रोड्यूस करता हूँ। तो पिछले मैं जो भी 10-15 साल से 1 लाख कर रहा हूँ, तो वो धीरे 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 10 लाख से स्टार्ट, 10,000 से स्टार्ट किया होगा, तो धीरे धीरे आके 1 लाख पे। मेरे पास एक ऑफर आता है, कोई ना एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, बहुत बड़ा कंपनी आता है, आके बोलता है भाई मेरे को अगले 10 साल के लिए तेरे से 5 लाख यूनिट चाहिए, तेरे से क्या चाहिए, 5 लाख यूनिट से। कौन आएगा, बड़ा कंपनी, कोई भी एक बड़ा कंपनी आता है कॉन्ट्रैक्ट लेके मेरे पास, और कॉन्ट्रैक्ट लेके कितना आता है, 5 लाख यूनिट एवरी डे चाहिए से रहता है। मेरे पास कैपेसिटी कितना है मालिक, मेरे पास मशीनरी कितनी है, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की जितनी कैपेसिटी है। अगर मैं डे एंड नाइट भी काम करूंगा, काम करने के बाद भी मैं समझता हूँ कि 2 लाख से ज्यादा यूनिट मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता। कितना, 2 लाख से ज्यादा मैं कर नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, हमें एक्सपांशन करना होगा, हमें और मशीनरीज मंगानी होगी, और जो सप्लाई है वो मंगानी होगी, लेबर्स जो रहेंगे वो मंगाने होंगे, एक्स्ट्रा सारी चीजें जो जो लगने वाली है, हमको क्या चाहिए, कितने हिसाब से चाहिए, 5 लाख के हिसाब से चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज मंगानी होगी। तो मेरा पास कैपेसिटी कितना, 1 लाख की है, और चाहिए कितना, 5 लाख एवरी डे। अभी एट प्रेजेंट मैं ज्यादा से ज्यादा डे नाइट करूंगा तो कितना कर सकता हूँ, 2 लाख यूनिट्स, तो कम कितना पड़ रहा है, 3 लाख। तो उसके एक्सपांशन के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को सबसे ज्यादा चाहिए अभी पैसा, पैसा पैसा पैसा, क्या चाहिए, पैसा चाहिए। किस लिए, टू एक्सपांड द बिजनेस, टू एक्सपांड द बिजनेस, टू ग्रोथ एंड एक्सपांड। ग्रोथ को तो मैं साइड करता हूँ कि ग्रोथ तो होने वाला है अगर है, तो एक्सपांशन के लिए मेरे को क्या चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है। ठीक है, अभी एचआरटी एंड कंपनी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्रीन पे, एचआरटी एंड कंपनी क्या करेगा, भाग के जाएगा बैंक के पास। ऑप्शन उसके पास क्या है, बैंक के पास। बैंक को बोलेगा भाई मेरे को इतने इतने लोन चाहिए, मेरे को ये बिजनेस है, ठीक है, ये आपको ऑप्शन है, तो आप बैंक लोन देंगे क्या नहीं देंगे, ये 3 वो पूछेगा, देंगे या नहीं देंगे अलग से मैटर होता है, पर मैं किसके पास जाऊंगा, सबसे पहला पैसा लेने के लिए बैंक के पास जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन मेरा पास क्या रहेगा, कंपनी से कुछ शेयर्स क्या करूंगा, मैं प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाऊंगा, भाई मेरे इतने परसेंटेज ऑफ शेयर्स तो रख ले और मुझे पैसा दे, क्योंकि मेरे को बिजनेस एक्सपांड करने के। ये कौन हो गए, इन्वेस्टर्स, इसमें 1 अलग अलग तरह से हो सकते हैं, प्लस प्लस आप कर सकते हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा
और सॉरी तीसरा और फाइनल जो मेरे पास रहेगा पब्लिक। तो मैं क्या सोचूंगा कि बैंक के पास जाना, लोन देना, इंटरेस्ट लेना, ये सब चीजें इन्वेस्टर के पास देना, शेयर अटकाने, कंपनी क्या सोचूंगा मैं एज अ कंपनी से, क्यों ना मैं इस जो ऑफर को, इस जो 5 लाख यूनिट वाला ऑफर को मैं सबके साथ शेयर करूं जो कि है पब्लिक। मेरे कंपनी के थ्रू से पब्लिक भी कमाए और मैं भी कमा लूँ। तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक मैं जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पब्लिक के पास जाऊंगा वाया आईपीओ। क्या दिख रहा है मालिक, वाया इनिशियल पब्लिक आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये होती है एक बेसिक स्टोरी, एक बेसिक स्टोरी। अब इसके आगे की जो कहानी है, स्टोरी जो आईपीओ हाउ इट इज वर्क, यहाँ पे दो टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, यहाँ पे दो टॉपिक्स, होपफुली हार्डली 15 मिनट के अंदर हम दो टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। शेयर्स, स्टॉक मार्केट क्या होता है और शेयर्स कंपनी, यहाँ पे एक चीज पॉइंट अभी भी बाकी है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था हाउ कंपनी वर्क्स फॉर लिस्टिंग, कंपनी को लिस्टिंग करने के लिए क्या क्या चीजें लगने वाली है, क्या क्या चीजें देखना होता है, कौन से कंप्लायंस को रेडी करना पड़ता है, किसके पास जाके बोलना पड़ता है, ये सारे चीज क्या है हम आगे पढ़ेंगे। कौन सा, हाउ कंपनी लिस्ट एंड व्हाई, व्हाट इज आईपीओ के अंदर, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मालिक, आशा करते हो कि टॉपिक समझ में आ गया होगा। कुछ भी रहेगा तो आप फीडबैक देना, और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का चैनल रहेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द एवरीडे अपडेट्स के लिए। और उसके अलावा फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो है तो लाइक करो और शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सी यू मालिक, मिलते हैं, थैंक यू।